नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। पर आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो हमारी जिंदगी है उसमें जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो हमारा डिसीजन होता है, किसी और का नहीं होता। इस बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और जब तक ये टॉपिक खत्म होगा आपको समझ में आएगा कि जो भी हम लाइफ में चॉइस करते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है जिस कारण से हम कई बार सही चॉइस भी करते हैं, गलत चॉइस भी करते हैं, और किस तरीके से हम सही चॉइस कर सकते हैं। जब भी कभी आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब फ्लाइट टेक ऑफ हो रही होती है, जब लैंड हो रही होती है, वो दोनों टाइम ऐसे होते हैं कि कई बार तो पता ही नहीं चलता कि कब टेक ऑफ हुआ, कब लैंड हुआ, और कई बार बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें उथल पुथल होती है, तो एकदम डरावना सा होता है उस समय। लेकिन उसके जो बीच का समय होता है वो एक ऐसा समय होता है जब मोस्टली टाइम बहुत स्टेबिलिटी होती है। अक्सर लोग सो रहे होते हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अड़ोस पड़ोस में बातें करते हैं, बाहर नीचे देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट सब अपने अपने में बिजी हैं। तो वो उस समय हमारी चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। कुछ कुछ इसी तरह से लाइफ में भी होता है। हम कहाँ पैदा होते हैं और हम कब मरने वाले हैं इसके बारे में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं किस देश में, किस भाषा में, कहाँ पे किस तरह के रंग के लोग रहते हैं वहाँ पर मेरा जन्म होगा या किस दिन मेरी मृत्यु होगी। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में मुझे क्या करना है, किस तरीके से मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है, वो एक ऐसा समय होता है जो मेरे हाथ में होता है। वहाँ मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी है। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि जो लाइफ है उसमें हम कुछ बातों में रिग्रेट करते हैं कि बहुत बुरा हुआ, कई बार हम बहुत खुश होते हैं कुछ बातों से, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बहुत सताती हैं, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि जो भी हम लाइफ में कर रहे हैं वो उन्हीं बातों पे है जो कि हमारी चॉइसेस हैं और कुछ भी नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ में हम सोचते हैं सब कुछ अच्छा होगा लेकिन अचानक कोविड आ जाता है, मे बी कोई अर्थक्वेक आ जाता है, या आजकल जैसे यूक्रेन एंड रशिया में एक लड़ाई चल रही है, वहाँ पर हमें नहीं पता कि अचानक कैसे हो गया, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो चॉइस हमारे हाथ में। अगर हम रोज़मर्रा की बात करें तो इन जनरल ऐसा होता है कि हम कहीं ऑफिस में हैं या घर में हैं, हम देखते हैं कि हमारा कोई साथी है वो लगातार झूठ बोले जा रहा है लेकिन फिर भी बहुत सक्सेसफुल है और आगे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे हमारे पास दो चॉइस होती है, एक तो है कि हम उनके जैसे बन जाएं और हम भी सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ जाएं। दूसरी चॉइस हमारी है कि हम वो बोलें जो हमें लगता है ठीक है। मे बी हो सकता है उसमें हम माइनॉरिटी में हों, ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट ना करें, मे बी वो जो सक्सेस हमें मिलना चाहिए था हमें ना मिले, बट वो चॉइस भी हमारी है। और इस समय अगर हम झूठ का भी साथ देंगे तो वो भी हमें मान के चलना है कि ये मेरी चॉइस है रादर देन कि मैंने मजबूरी में किया था। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। या अक्सर बात करते हैं कि हम कभी कार चला के कहीं जा रहे हैं और अचानक किसी से कहीं टक्कर हो जाती है। अब वो सामने वाला जो बंदा है वो आता है, जोर से चीखता है, चिल्लाता है, गाली गलौज करता है। अब यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है, एक तो वही है कि आप भी उसकी तरह हो जाए, आप भी चीखिए, चिल्लाइए, गाली दीजिए, लड़ाई कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप उस सिचुएशन से डील कीजिए लेकिन रिलैक्स वे में, स्माइल करके, सही शब्दों का इस्तेमाल करके। डिसाइड हमें करना है कि हमें कैसे करना है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हम करें उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी है। बट अक्सर ऐसा होता है कि लाइफ में हम बहुत सिंपल चीज़ों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर नहीं लेते, वो भी हम औरों पे डाल देते हैं। आप मार्केट जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए, कोई शर्ट लेनी है, कोई जीन्स लेनी है, लेकिन वहाँ पर मैं अपनी वाइफ से, अपने फ्रेंड से, अपनी मदर से, फादर से, भाई से पूछते हैं कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो ये सिचुएशन है हमारी आज के टाइम में विद रिस्पेक्ट टू हमारी चॉइसेस की। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके बाद आता है कि क्या करें, क्या ऐसा चलने दें या हम कोशिश करें कुछ बदलाव लाने की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें समझने की बात यह है कि जब हम इस बात को समझेंगे कि ये जो भी हम चॉइसेस करते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को बनाती हैं, तो सर्टेनली हम इसको इम्पॉर्टेंट देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी फैमिली में कोई शादी है और वहाँ पर हम बच्चे को ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं कि तुम्हें यहाँ पर शादी करनी है। हो सकता है वो शादी कर भी ले, लेकिन अगर बाद में रिलेशनशिप में कुछ इशू हुआ
तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आने वाली है। वो जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि उनका ये मानना रहेगा कि हमने तो मना किया ही था लेकिन आपने जबरदस्ती की थी इसलिए हमने कर लिया। दूसरी तरफ अगर वही जो रिलेशनशिप है, वहाँ जो डिसीजन है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी हाँ कर रहे हैं और वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर आगे जाके वो रिलेशनशिप में कुछ इशू आता है तो वो जो हस्बैंड एंड वाइफ वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उस रिलेशनशिप को ठीक करें, क्योंकि उनकी ओनरशिप भी वहाँ पे है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि अगर हम ओनरशिप लेते हैं तो हम उस डिसीजन को आगे भी मानते हैं और ऐसा नहीं सोचते कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि घरों में, एक और एग्जांपल अगर लिया जाए कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का बहुत चलता है, और कोई फैमिली ऐसी है जो प्योर वेजिटेरियन है बट घर का कोई एक सदस्य है जो नॉन वेजिटेरियन भी है, तो उसको बहुत फोर्स किया जाता है कि नहीं नहीं आप भी वेजिटेरियन बन जाओ। तो अगर मजबूरी में वो वेजिटेरियन बनता है तो अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो हमेशा उसकी इच्छा करती है कि वो नॉन वेज फूड खाए। अक्सर ऐसा होता है जो उसके दोस्त फोर्स करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनको मनाना, और कई बार हो सकता है चोरी छुपे वो नॉन वेज खा भी लें। बट दूसरी तरफ अगर वही सदस्य अपने मन से डिसाइड करता है, वो चॉइस करता है कि मुझे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना बिकॉज ऑफ ए बी सी रीज़न, तो वो कहीं पर भी हो, कोई कितना भी प्रेशर डाले, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब चॉइसेस की बात आती हैं तो हमें इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे कि हम उसको निभा भी सकें। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की, उनका कहना है कि जब भी हम ज़िंदगी में कुछ मुश्किल डिसीजन लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत आसान होती है, लेकिन जब हम आसान डिसीजन लेते हैं तो अक्सर हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो भी हम चॉइस करते हैं उसको कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस है, उसका रिजल्ट आता है। से फॉर एग्जांपल, अगर हमने डिसाइड किया कि हम सोचते हैं कि हमें पेड़ों को काटना है क्योंकि हम बड़े बड़े मकान बनाना चाहते हैं, हम जो समुद्र का पानी है उसको सुखाना चाहते हैं जिससे हम बिल्डिंग बना सकें, या हम केमिकल्स को नदी में डालना चाहते हैं, तो उसका रिजल्ट भी वही आने वाला है कि हर जगह पॉल्यूशन होगा, बाढ़ आ सकती है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो सकती है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ऐसा कुछ भी होगा। इसी तरह से अगर हम चॉइस की बात करें कि हम सोचते हैं कि नहीं, हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें योगा करना है, मेडिटेशन करनी है, अच्छा खाना खाना है, समय पे सोना है, तो सर्टेनली उसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा, हमारा माइंड हेल्दी होगा, बॉडी अच्छी होगी और हम बहुत मजे में सो पाएंगे। स्टीवन आर केवे ने एक बहुत ही अच्छी बात की, उनका कहना है कि हम फ्री हैं जो भी हम चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम फ्री नहीं हैं इस बात के लिए कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट है, जो भी हम सोचते हैं उसी तरह से हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं, और जिसके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं उसी से हमारी डेस्टिनी बनती है। तो ये हमें सोचना और समझना है कि हमें क्या करना है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या करें जिससे कि जो भी हम लाइफ में चॉइस करना चाहते हैं वो वही हो जो सही हो और उसकी हम ओनरशिप लें। तो उसके लिए सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये करना है कि बजाय लोगों की सुनने के हमें अपने मन के सुनने हैं, जो हम अक्सर नहीं सुनते हैं। और होता क्या है कि जब हम कोशिश भी करते हैं, चूँकि बहुत समय से अपने मन की हमने सुनी नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत होती है हमें उसकी बात को सुनने में और समझने में, और हमारा लो कॉन्फिडेंस होता है। बट अगर थोड़ा सा भी परसिस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें जो भी डिसीजन लेना है वो अपने मन से लेंगे, सोच समझ के लेंगे, और वो हमेशा ठीक भी होगा क्योंकि आप उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इस चीज़ को करने के लिए। होता क्या है कि आजकल की जो लाइफ है जो इतनी फास्ट चल रही है, वो बहुत मुश्किल है अपने मन को काबू कर पाना। बट अगर हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक और मेडिटेशन का सहारा लें तो वो हेल्प करेगा जो हमारी ये जो माइंड में वो तेज स्पीड से चल रही है इसको थोड़ा सा स्लो करने के लिए। जब ये थोड़ा स्लो होगा तो इसको मौका मिलेगा ये देखने का क्या सही है क्या गलत है, और उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और जो भी वो डिसीजन लेगा उस पर वो अडिग रहेगा और मानेगा कि मेरा डिसीजन है, इसे मैंने किया तो मुझे ही इसे फॉलो करना है। एक बहुत ही अच्छी बात की है किसी ने, उनका कहना ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो मे बी हम एक मर्द होते हैं, जब हमारी एज होती है तो वो इस पर डिपेंड करती है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन एक जो जेंटलमैन होता है वो एक चॉइस होती है हमारी कि हम बनना चाहते हैं या हम नहीं बनना चाहते हैं।
वेल, डे टू डे लाइफ में हम सब अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, मैं भी अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ एक बेहतर इंसान बनने का और चॉइसेस करने का जिसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपका फीडबैक देखना चाहता हूँ। धन्यवाद।